अभी जो बजट इन्होंने दिया, इसमें सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। बुलेट ट्रेन जैसे जापान में, यूरोप में, इन बड़े बड़े देशों में होती है, बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। मुंबई से अहमदाबाद तक की ये गाड़ी होगी। मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी ये बता रहे हैं 2 घंटे में पूरी करेगी, और इसकी टोटल लागत 60,000 करोड़ रुपए आएगी। 60,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। दोस्तों मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा, और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का, एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ, अगर आप मुंबई से हवाई जहाज लो तो मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, और 4,000 रुपए की टिकट है। हवाई जहाज से 4,000 रुपए की टिकट है, ट्रेन से 75,000 रुपए का किराया होगा। तो कौन जाएगा जी इस ट्रेन के अंदर? अमीर आदमी भी नहीं जाएगा। एक बार तो शायद चले जाए कुछ अमीर आदमी देखने के लिए ट्रेन लगती कैसी है, नहीं तो उसके बाद कौन जाएगा? किसके लिए बना रहे हैं ये ट्रेन? नरेंद्र मोदी जी किस देश की बात कर रहे हैं? उनको पता होना चाहिए भारत है। यहाँ पे आधी से ज्यादा जनता गरीब है। यहाँ पे मजदूर किसान अपने गांव से निकल के शहर की तरफ आते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। ये बुलेट ट्रेन किस